بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं शमीम नजीर बात कर रही हूँ. आपसे मैंने पहले भी बात की थी. अभी आप वो कर रहे हैं ना, आप बिजी तो नहीं है? मुझे आपके एक्चुअली सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात जी, मैं फारिग हूँ, फारिग आदमी. मैं लाइव, आपका फोन लाइव पे है. हाँ जी, हाँ जी, आप मेरे ख्याल लाइव पे सुन भी रहे हैं और आपका फोन इस वक्त स्पीकर पे है. एक्चुअली मुझे वो पता नहीं चल रहा ना उस पे, तो मैं वैसे आपसे बात, मुझे क्या पता नहीं पता चल रहा, नेट पे लाइव आ रहा होगा. लाइव नहीं आ रहा आपके पास? आ रहा है, फोन पे आ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे लगता है या तो मैं पीछे हूँ या आई डोंट नो. आप एक दो शायद थोड़ा सा लैग हो के, एक मिनट आधे मिनट का शायद लैग हो. आप अपने हाँ जी शायद टीवी पे लगाया हुआ है, फोन पे लगाया हुआ है. मैं ना हाँ जी, इसलिए थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई. एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. बहुत दफ़ा आपको पहले भी मैंने फ़ोन की करती हूँ, और बेसिकली मुझे ये जानना है कि ये जो एक इंसान के अंदर एक जो जल्दबाजी है, ये जो हमारे अंदर जल्दबाजी है, इसके लिए कैसे अपने आप को किया जाए, और कैसे, और एक और चीज़ कि ये जो अपनी खुददारी को बचाते बचाते अगर इंसान अपनी अना से जा मिले, तो इस चीज़ से कैसे इंसान अपने आप को बैलेंस करे. और सॉरी, और तीसरी बात ये कि अभी आप जो बात है, ये जो सूर्य रहमान की बात है, ये दिल को भी सुकून देती है, रूह को भी सुकून देती है. लेकिन ये जो हमारा जहन है, ये जो दिमाग है, ये इस वक्त दुनिया के हालात को, उन मामलात को डील कर रहा होता है. तो उस वक्त उसके अंदर एक जो ठहराव पैदा करना है, एक जो फोकस लाना है, वो कैसे लाया जाए, इतने ध्यान को कैसे एक नुक्ते पे लाकर फोकस किया जाए. और दूसरा, मेरी इसको हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम रहते तो एक और बात है, हम एक ऐसे निजाम में रह रहे हैं क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है, कि इंसानों का बनाया हुआ है, और हम उसी निज़ाम पे ज़्यादा बिलीव करते हैं जो इंसान ने बनाया है. जो अल्लाह ने बनाया है उस पर हमारा बिलीव नहीं है उस तरह. तो फिर हम कैसे इस चीज़ की सच्चाई को और इस चीज़ की गहराई को महसूस कर सकेंगे? आपकी बातें जो आपको मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, मुझे आपकी एक, आपके अंदर एक एक छोटा सा एक मासूम सा एक बच्चा नज़र आता है, जो कि बचाना चाहता है दूसरों को. लेकिन आपकी जो, आपने जो अपने अंदर एक बाहर एक बना रखा है, उससे मेरे जैसे इंसान बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और कि यहाँ तक कैसे रब्ता कर सके. और पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक नुक्ते की, एक फोकस की ज़रूरत है. और आप जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं कि दूसरों का फोकस ठीक करें, दूसरों को उस तरफ दिखा सके, ये रास्ता उनको करें, फिर आप जैसे लोगों के मुखालिफ भी बहुत हो जाते हैं, और ये वो आपकी कुर्बानियों को, आपकी इतने बड़े सेक्रीफाइस को कोई भी रिकग्नाइज नहीं करते, तो फिर वो कैसे, वो एक शोर समझ जाता है, ये महफिल नहीं रहती, वो जो महफिल नहीं रहती वो एक हजूम सा हो जाता है, वो फिर खौफ सा हो जाता है. तो इस चीज के लिए कैसे इंसान किसी एक नुक्ते को पकड़ ले और किसी एक ही जाविये में बस उसी चीज को, जो कि अल्लाह है, बस उसी तरफ ध्यान रख पाए. बाहर का हम निजाम तो इंसान का जी रहे हैं, और बात जब हम, आप जैसे लोग नहीं, आम लोग की बात कर रहे हैं. नहीं, मैं आम लोग ही हूँ जी, मुझे आप अहमी खास बनाई जा रही. नहीं नहीं नहीं, मैं बात देखे रहनुमाई करते हुए, एक तो आप किसी की रहनुमाई कर रहे हैं ना, आप तो रहनुमा हैं, बनते हैं ना. नहीं, डॉक्टर ही भी रहनुमाई होता है ना, जो आपको बताएगा आपने ये नहीं खाना, ये मेडिसिन ले, ये रहनुमाई तो होती है, या आपने ये चीज नहीं, ये चीज आपको परहेज करनी है, ये रहनुमाई तो है.
तो आपने ये डाला ही है ना, ये जो चेक करने का दूसरों को, कि भी गले जब जाते हैं हार्ट बीट किसी की देखते हैं और बताते हैं कि ये इस वक्त किस तरह नॉर्मल है या नहीं है या ये क्या है, तो ये इसी इसी में एक आपका ये अल्लाह ने एक चले आपका विजन आपका रास्ता ये आ गया और ये वही है आप जो कर रहे हैं। तो सिर्फ मुझे ये हम बस मुझे ये है कि आप कैसे ये फोकस की तरफ अगर कहें कि हम इंसानों को, तो इस वक्त फोकस जो है ना वो बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये जो शॉर्ट शॉर्ट मूवी ये बने होते हैं ना, ये जो क्लिप्स बने होते हैं, इनकी वजह से हमारा टेम्परमेंट भी शॉर्ट शॉर्ट होता जा रहा है। और दूसरी ये वाली बात के कुरान पाक की, इंसान बहुत जल्दबाज है, ये सिर्फ मुझे लगता है, मुझे जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरी बात हो रही है। तो मुझे आप ये बताएंगे कि इस जल्दबाजी को कैसे अपने अंदर से इस बैलेंस करूं, तहमुल कैसे आए, जल्दबाजी कैसे कम करें। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से हैं शायद आप तो कह रही हैं पहले भी, हाँ एक बार शायद मेरी बात हुई है कि ज्यादा बार हुई नहीं है। मैंने आपसे बहुत दफा बात फोन करती हूँ फिर डर जाती हूँ, मैं डरती हूँ आपके अपनी अपनी कमजोरियों से, डरती हूँ आपसे आपकी अपनी अंदर की कितने कमजोरियों से डर के आपसे बात नहीं। कितने अरसे से मेरे से बात हुई है, पहली बार कब हुई थी बात मेरी आपसे? बहुत अरसे से मैं आपको सुन रही हूँ। एक्चुअली वही बात याद है, मैंने आपको बताया था कि मैंने वहां गई थी हज करने, तो मैंने अल्लाह से कहा था कि मैं बात कर रही थी, मैंने कहा था आजमाइश अल्लाह ने मेरे खर्चा, तो भी इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, तो शायद आप उसे तो अल्लाह, मैंने कहा था कि हाँ अगर तुम मैं मांगती जा रही थी अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो चीजें तो नहीं मांग, मतलब अपने लिए आसानियां मांग रही थी, तो अल्लाह ने कहा कि आई तो हो मोहब्बत यही है, क्योंकि मुझे पहले लग तो इस वजह से मैंने आजमाइश, फिर वो आप यकीन जाने उसी वक्त वो बात शुरू हो गई जो मेरी जिंदगी में आपने वो बात की ना लास्ट टाइम, कि आपको फिर वो कुर्बानी लेता है आपसे, आपकी वो कुर्बानी आपको फिर वो हो गई कुर्बानी, वहां पे पता चल गया मुझे कि मेरे जो कमजोर हिस्सा था उस पे वजन आ गया, लेकिन अल्लाह का एक बहुत करम हुआ कि उसके बाद मैंने मदीना जाना था, वहां रो रो के मैंने फिर अपनी इल्तजा की कि मुझे इस चीज से निकाला जाए उसी वक्त ही, क्योंकि उसके बाद मैं खाना का बचा ही नहीं सकी, क्योंकि वो हमारा प्लान वहां जाने का था, फिर वहां पे जाके फिर वो हो गई आसानी हो गई मेरी उस मांगी हुई दुआ में, बड़ी आसानी रही। तो मैंने आपको ये बात थोड़ी सी बताई थी काफी, मैं वो असल में अगर मैं कहता कि मेरी तो आपसे इतनी बार बात हुई, अब मैं आपको क्या बताऊं, तो फिर आपने कहना था नहीं इतनी तो नहीं बात हुई, मैंने कहा नहीं बस आपसे तो ज्यादा बात नहीं, हमने कहा नहीं नहीं बहुत बात हुई है। मुझे हाँ जी नहीं आपसे बहुत बात हुई है आपकी सच आपके कभी, और मैं और भी एक बात है जो मैं आपको वो है कि आपको मैंने अपने ख्वाब में भी देखा, वैसे तो मैंने अल्लाह से कहा कि मुझे कभी को ख्वाब आए ही ना, भी दुआएं मांगती हूँ, लेकिन मैंने आपको ख्वाब में भी देखा, और वो बात बस एक छोटा है कि एक आपने मुझे एक वो चाय, पहले तो मैं आपको बार बार फोन कर कोशिश करती मैसेज छोड़ती, तो मुझे यूं लगा कि जैसे आप किसी महफिल में बैठे हैं, आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं और आप मुझसे अनोइंग है कि क्या ये बार बार क्यों मुझे ये बंदी, आपने फिर वो मुझे एक चाय का वो एक थोड़ी सी एक घूंट चाय बस दे दी, वो ये लो पी लो बस जाओ। असल में आपका बस नहीं चलता, आप समंदर भी घटाघट पी जाए और फिर मुकर भी जाए, तो आज आपको मैंने मुकरने नहीं दिया, लेकिन आपकी तलब फड़क, आपकी तलब, आपने बैतुल्ला शरीफ जाके भी जो वो आपको पता है मैं जो बात आपने की, जो जवाब आया, फिर मदीना मुनव्वरा भी, अभी भी आपका ये है कि तहम्मुल कैसे आए, आपको पता भी चल रहा है कि कुछ चीज़ें सब्र, अल्लाह सब्र के वालों के साथ है और शुक्र का एक अंदाज़ सब्र भी होता है और सब्र का फल एक शुक्र होता है। बहरहाल तो आपका भी ये सवाल जो है, क्योंकि सूरह रहमान भी सुन चुकी, दुआएं भी कर चुकी, दुनिया को तो नहीं पता, किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन आपकी ये बात जो आप कह रही हैं तहम्मुल जिस एंगल से आप कह रही हैं कि मेरे में नहीं आ रहा या क्या करूं, उसका जवाब बंद हो गया मेरे से, इसका माइक किधर खोल दिया जी जी, तो ये सुन लें इसका जवाब, आपको आप आंखें बंद करके इसको सुने चुप करके, ये थोड़ी सी ऐड आएगी पहले, चलें आप सुने। Thank you.
आपकी रूह की जो बेचैनी है, जिसको आप पुकार रही हैं, जो कहती हैं कि बस वो अभी आ जाए, ठीक है, वो अभी मिल जाए, ठीक है, हर रूह की यही पुकार है। आप ज़रा करीब चली गई हैं, लेकिन ज़रा तहम्मुल। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा तुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल ए दिले से सब वाबस्ते हैं जो रहमतुल्लाह अलैह। अपने 16 सिंगार पे तैयार करें, वो तो आएगा ही आएगा, आपकी तैयारी पूरी हो, होमवर्क पूरा हो, उनके किसी उम्मती से आपसे व्याप्ती न हुई। उठो चलो मुँह हाथ धो लो, अब दावत पे चलो। अभी तो बहुत बात है, गीत अधूरा रह जाए तो अच्छा नहीं होगा। मुझे बहुत दुख होता है, मैंने अच्छी तरह से गाना सीखा। जितना सीखा उतना ही बहुत है मेरे लिए। अरुणा, उन्हीं से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे आदमी उसके लायक है। मैं बताऊं, ऐसी बातें तुमने कहां से सीखी? कहां से सीखी? सीखी भी नहीं, चुराई है मेरी बातें। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा तुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। मुझे बार बार।
थैंक यू। इंसान का मसला ये है जी, ये वक्त से पहले चाहता है और ज़रूरत से ज़्यादा चाहता है। और पिछले ही हफ्ते मैं सुनाया था, इनके साथ बैठ के सुना था, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। आज का है धीरे धीरे मचल कोई आता है। जब कोई आ भी जाए तो सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, फिर उसके बाद होता है यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, बात वहाँ भी ख़त्म नहीं होती, ये याद रखिएगा। बहरहाल अल्लाह आपको अब मज़ीद अपने महबूब की शफ़क़त से, मोहब्बत से, रहमत से नवाजे। हम जैसों के लिए भी दुआ किया करें। ये जो आप जानबूझ के इस तरह का हुलिया बनाती हैं और ये बातें करती हैं, साहिल बन के आती हैं और कोई रम समझाती हैं, मैं आपका मशहूर हूँ, आपका मशहूर हूँ, बेला शुबा मैं जल्दबाज हूँ, मेरा बस नहीं चलता, मैं इन्हें घोल के पिला दूँ, एक वादा है जो वफा कर जाऊँ और बस जाऊँ, मुझे किसी के आने का नहीं। एक बात और डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ को कहना चाहती थी कि ये जो मोहब्बत होती है ना, ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। बिला शुबा क्योंकि ये बात मुझे बहुत मुश्किल से समझ आई है, क्योंकि मुझे लगता था मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं अब से मोहब्बत, लेकिन मुझे लगता था मुझे लगता है कि अल्लाह हम सबसे बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि मोहब्बत में ऑनरशिप होती है और वो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, माँ भी मोहब्बत करती है। जो नजर आता है वो माँ होती है, जो नजर नहीं आता वो अल्लाह होता है, एक ही जगह दोनों होते हैं। रहम से रहमान बनाना। रहम यूट्रस को कहते हैं। ये मैंने आपसे एक और पूछा था कि ये जो खुददारी बचाते 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 कहीं अना के हत्थे न चढ़ जाए इंसान, इसके लिए क्या किया जाए कि आप अना के हत्थे न चढ़ जाए, आप अपनी खुददारी बचा रहे होते हैं। ये खुददारी से मुराद कि आप अपनी खुद ही बचा रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आप जैसे मैं कैसे कहूँ, आप नहीं चाहते कि आप रोल दिए जाओ, आप मिटा दिए जाओ, मतलब ये नहीं है कि ये बात, मुझे ये डर लगता है कभी कभी कि मुझे खुददार रहना है, मुझे अनापरस्त नहीं बनना। और खुददार होने के लिए जरूरी नहीं, आप फकीर भी होता है ना, वो खुददार ही होता है, फकीरी ही खुददारी है, और मलामत में सलामती है। ये जी जी बात है, इकरा जी आंखें खोल लो, मलामत में सलामती है, उठ के थोड़ा चलो, लेकिन जी जी सही बात जारी रखें। मुझे खुददार, मुझे ये आपसे बात है ना कि ये इसके लिए जो कि अब कहीं आना ना आ जाए इंसान में, इससे भी इसके लिए मुझे फोकस रहना है एक नुक्ते पे। मुझे आप ये कह रही हैं कि ना बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता तर हो तो है अजीज तर निगाह आईना साज में। कौन सी अना और कौन सी खुददारी, कौन सी खुदी और कौन सी मलामत और कौन सा एहसास, जब नहीं है कोई तेरे से। आपने भी तो देखे, मैंने देखा है, आप इसी का तो दर्श दे रहे हैं कि अपना आप बचा लो, अपने आप की पहचान होगी तो बचाएंगे उसको। जैसे अभी आप कहते हैं कि भी आप माफ करो, दिल साफ, तो ये खुद को बचाने का ही तो रास्ता है। खुद ही वो नहीं है जिसमें दूसरे को बताया जाए, खुद ही तो वो है जिसमें खुद को पाया जाए। आप मेरा उससे है, क्योंकि जैसे मैं, अगर आपने कहा कि आप बिलीव कर लूं दूसरे इंसान पे कि ये मेरे लिए इस मुश्किल में आसानी देगा,
मुझे ये यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे लिए आसानी करेगा। ये खुद ही शकील ये स्टिक ले, ये काकी जी को तीन बार अल्लाह कर दे, तीन बार खड़े खड़े कर दे। जी साईं, किसी एक के आगे तो करनी पड़ती है, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है किसी एक के आगे, किसी एक के आगे। अगर नहीं समझ आ रही, आगे 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 किसी एक के आगे पेश होना आसान है, आसान है, बहुत आसान है, यही सुकून है। ये खुद लिए फिरना खुद को, किसी अपने ऊपर, किसी अपने एक के आगे तो नाचना पड़ेगा ना। ये लें, आंखें बंद करके उस एक के आगे जाएं ना, और बेल आइकन को क्लिक करें साथ जो कुछ भी आपके पास। आगे आज हम अपनी दुआओं का असर, अब मुकाबिल शिमर हो या यजीद हो, तीर नजर उसके लिए निछावर करें सब कुछ। जख्म जिगर देखेंगे, आशिक है तो आ ना करें, माशूक है तो परवाह ना करें। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, Thank you.
ना बचा बचा के तू रख, तेरा आईना है वो आईना। छह माह से लेके 60 साल वाला भी दे दो, उस पे वार दो, किसी एक के आगे तो हारना पड़ता है। होने का जो जोम है ना, या होने की गलतफहमी, यही सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, कौन सी अना और कौन सी खुददारी और कौन सी खुदी जब नहीं है कोई तेरे सिवा। ये जो कोई एक होता है ना, जो कि एक होता है, यही रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। है ही वो एक, वही था, वही है, वही रहेगा। ठीक है, जब है ही वो है तो फिर है ये अकल के घोड़े और बातों की कुछ नहीं, लंबी कहानियां कोई चीज माने नहीं रखती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ भी मिलता, ये एक सारा उसमें प्रैक्टिकली देखना पड़ता, सरेंडर करना पड़ता है, उसके आगे जीरो होना पड़ता है। जी जीरो होना बहुत आसान है, आसान नहीं है, मतलब कोई मिल जाए, जो कोई एक मिल जाए तो अल्लाह खैर। ठीक है साईं, खैर है, एक बार बहुत शुक्रिया, ओके साईं, अल्लाह हाफिज़। خلق الإنسان